वर्स्ट मिस्टेक ऑफ माय लाइफ। हिस्ट्री और पॉल साइंस दोनों की फैकल्टी बहुत अच्छी है। मेरी पछता तो बस इस चीज का लग रहा है कि 70,000 रुपए देके कुछ मिल नहीं रहा। बीए प्रोग्राम गलती से ही प्रेफरेंस में डाल। वो कोर्स बहुत महंगा है और कैंपस लाइफ कुछ नहीं है, लाइक बहुत छोटा कॉलेज है। लेकिन जो हाइप है इतनी भी कुछ खास नहीं है। अगर आप मोतीलाल की सोसाइटीज काफी अच्छी है। हाय, गुड नेम प्रियम जैन। प्रियम, एंड आपका कॉलेज एंड कोर्स? आर्यभट्ट कॉलेज, बीकॉम प्रोग्राम। एंड व्हाट्स योर सीयूईटी स्कोर एंड कैटेगरी? 710 एंड माय कैटेगरी वाज जनरल। So, how is this Aryabhatta College? Fine actually, but I imagine more from DU because of the hype, you know. Ki hype bahut zyada hai DU ki 710 pe bhi mereko South Campus mila. Wo bhi matlab main first cut off mein mil gaya tha mereko. And you freezed it? Yeah, I freezed it because mereko iske upar ke nahi chahiye the college. Jo iske upar ka mil raha tha mereko, wo mereko nahi chahiye tha. Karan ye tha ki wahan pe majority zyada thi. अलग से भी कुछ ढूंढ लिया कोर्स करने के लिए, सो अब मैं फाइन हूँ उसके साथ। बस 12 दिन 10 दिन पढ़ना होता है, हो जाता है क्लियर। मतलब कॉलेज एग्जाम के टाइम पढ़ लो, बाकी फ्री। बाकी फ्री है, बाकी अपना कुछ भी कर सकते। कोई सोसाइटीज वगैरह नहीं? सोसाइटीज में मैं FIC में हूँ, इनएक्टस में हूँ, और अपनी वाणिज्य जो कॉमर्स सोसाइटी है उसमें भी एक्टिव है। सोसाइटीज? हाँ, सोसाइटीज एक्टिव है बिल्कुल। आप भी एक्टिव वगैरह सब कुछ? हाँ, एक में हूँ एक में नहीं। ठीक है, तो आउट ऑफ 5 रेटिंग देनी है कॉलेज को, क्या होगी? आउट ऑफ 5 बीकॉम प्रोग्राम के लिए 3, लेकिन अगर आप और कोई प्रोग्राम लेते हो तो 5 है, 5/5 है। और कॉलेज को रेटिंग? कॉलेज को ओवरऑल रेटिंग 4। लाइक एक नंबर कट रहा है वो क्यों कट रहा है? वो मेरी पर्सनल बायसनेस की वजह से कट रहा है बीकॉम प्रोग्राम में, इस वजह से। एनीथिंग एल्स यू वुड लाइक टू से? बस मेहनत करो, लेकिन जो हाइप है इतनी भी कुछ खास नहीं है। अगर आपका कोर्स अच्छा है तो फिर ठीक है, बाकी नॉर्मल ही है, नॉर्मल कॉलेजेस की तरह ही है। लाइक फ्यूचर में व्हाट्स योर एम, क्या करना है आगे? मेरे को आगे फाइनेंस फील्ड में जाना है। मैं एक्चुअली CFA करूंगा और फिर MBA इन फाइनेंस करूंगा। तो मैं कैट दूंगा उसके लिए। ऑल द बेस्ट टू यू गाइस। हाय, व्हाट्स योर गुड नेम? माय नेम इज विद्या विपुल। एंड आपका कॉलेज एंड कोर्स? मेरा कॉलेज है रामलाल आनंद कॉलेज और मेरा कोर्स है कंप्यूटर साइंस ऑनर्स। कंप्यूटर साइंस। तो व्हाट वाज योर CET स्कोर एंड कैटेगरी आल्सो? मेरा कैटेगरी OBC था एंड मेरा स्कोर अराउंड 480 था। ओके, 480 में RLA मिल जाता है? हाँ जी, साउथ कैंपस में तो मिल जाएगा कुछ। व्हाट वाज योर प्रेफरेंस RLA, मतलब 10, 12, 15? मेरा प्रेफरेंस एक्चुअली 6th पे था, गलत भर दिया था, पता नहीं था कुछ प्रेफरेंस एंड ऑल का। लाइक आर यू हैप्पी विद दिस कॉलेज एंड कोर्स या कैसे? हैप्पी तो नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को इससे पहले RHD मिला था, मैं उससे ये कर दिया, मैं अपग्रेड करके और मेरे को ये मिल गया, तो हैप्पी तो नहीं हूँ। इससे अच्छा RHD था बट अपग्रेड नहीं करना था मेरे को। अच्छा, वो गलती हो गया। हाँ, सेम कोर्स में था? हाँ, सेम कोर्स। अरे यार, तो मतलब ओवरऑल अगर अपने कॉलेज को RLA को रिव्यू देगा, 5 में से कितने स्टार देगा? 5 में से लाइक 3, क्योंकि लाइक कोर्स का फीस भी बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा? कितना? लाइक अराउंड 70 का है। ओ, 70,000? हाँ, 70,000। भाई प्राइवेट की फीस हो जाएगी फिर तो? ईयर में ये 1,00,000 पहुंच जाएगी। Okay. और तो कोर्स बहुत महंगा है और कैंपस लाइफ कुछ नहीं है, लाइक बहुत छोटा कॉलेज है। हमारे साथ 2 कॉलेज है तो डाइवर्सिटी अच्छा है। आर्यभट्ट साथ में है, हम दोनों ही ग्राउंड शेयर करते हैं एक साथ, तो वो डाइवर्सिटी मिल जाता है दोनों कॉलेज का। बट फिर वही है, कैंपस छोटा है, उतना कुछ बड़ा नहीं है। ओके। हाँ, तो मतलब अगर कोई जूनियर भी कुछ ऐसा नहीं है, क्योंकि लाइक RLA बोलो तो कोई जानता नहीं है, साउथ कैंपस बोलो तो फिर एक टाइम को यहाँ समझ जाते हैं कि चल साउथ कैंपस में कोई कॉलेज होगा। ओके। एंड इनफैक्ट हमें मोतीलाल बोलना होता है अगर हमें कॉलेज को बताना है तो। ये तो दुख अलग है। भारी दुख है, कोई नहीं। आप है कहाँ से? मैं तो बिहार से हूँ। तो मतलब एज एन आउटसाइडर अगर आप किसी को रिकमेंड करेंगे जो बिहार से आ रहा है, तो कौन सा कॉलेज करेंगे? ऑब्वियसली प्रीफर करो नॉर्थ कैंपस, अगर नहीं मिलता है एवरेज स्कोर है तो साउथ कैंपस। एंड साउथ कैंपस में भी आप बैंक ले सकते हो, RLD ले सकते हो, बहुत सारे अच्छे कॉलेज, शहीद भगत सिंह है। सो यही है। मतलब पछताव तो नहीं हो रहा ना कि ऐसे पछता रहा है कि कॉलेज आके? नहीं, पछता तो बस इस चीज का लग रहा है कि 70,000 रुपए देके कुछ मिल नहीं रहा है। वैसे ठीक है, कोई नहीं, DU मिल गया काफी है। एंड ये एक चीज यही है, RHD से मेरे को ये मिल गया, काश मेरे को पता होता कि इससे अच्छा कॉलेज वो है और मैं उसको नीचे रखा होता प्रेफरेंस, उसको ऊपर रखा होता, इसको नीचे रखा होता, तो आज ये नहीं होता। गॉट इट, यार, थैंक यू। और कुछ कहना है हमारी फैमिली को? हाँ, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो, मैं देखा हूँ आपका वीडियो। क्या बात है, ऐसे ही करते रहो आप, ऑब्वियसली कहीं ना कहीं पहुंचोगे आप लोग भी अच्छी जगह। थैंक यू सो मच यार। आई एम हर्षित। आई एम रितिका। योर कॉलेज एंड कोर्स? मोतीलाल BA प्रोग्राम। मोतीलाल BA प्रोग्राम। एंड उसके अंदर क्या कॉम्बिनेशन है? इकोनॉमिक्स एंड पॉल साइंस। सेम?
And what was your CUET score along with category? General category 650. 650. SC category 550. 550. तो like इसके ऊपर कौन सा कॉलेज था आपकी प्रायोरिटी में? मैंने गलती से यही डाल दिया था थर्ड नंबर पे. थर्ड? हाँ. काफी बड़ी गलती करी थी. वर्स्ट मिस्टेक ऑफ माय लाइफ. ठीक है. आप लोग मत करना. सीनियर कह रहा आपको. What about you? मेरा तो लिस्ट ही बिगड़ गया था. मेरे को नॉर्थ कैंपस चाहिए था बट unfortunately यही मिला मेरे को मोतीलाल नेहरू. Like are you satisfied with it or not? Not really. Why मतलब? नहीं इतना क्लासेस भी थोड़ा बहुत कम लगता है और मतलब क्लासेस होती नहीं है या टीचर्स नहीं लेते एब्सेंट हो जाते हैं? टीचर्स भी लेते हैं कई बार लगती भी नहीं है. मिक्स है. मिक्स है. What about you? Crowd. Crowd not good. Not at all. Beep. BA program गलती से ही preference में डालना. अच्छा. Like why? क्लासेस लगती हैं पर टीचर्स ही अलॉटेड नहीं है. व्हाट टू से बाकी ओकेश है. ग्राउंड फैसिलिटीज सब सही है. सॉर्टेड है बट क्राउड नॉट रियली गुड. बीए प्रोग्राम तो बिल्कुल नहीं है. ओके. सो लाइक साउथ कैंपस में नॉर्थ कैंपस ऐसी वाइब है? फ्रेंड्स हैं या नहीं आपके? फ्रेंड्स हैं. सत्य निकेतन इज टोटली अ वाइब. यहाँ पर रहना कॉलेज आना इज टोटली अ वाइब. बट आई वुड से कॉलेजेस में क्राउड आर्यभट्ट और रामलाल में बेटर है. तो उनको प्रेफरेंस में डाल. हाँ उनको प्रेफरेंस में. नहीं ऑब्वियसली बट मोतीलाल की रैंकिंग अच्छी है तो वो ऊपर है. पर रैंकिंग से फर्क नहीं पड़ता अगर हालत खराब है तो भाई. एग्जैक्टली. तो मतलब प्रेफरेंस पे दूसरे कॉलेजेस को डालना चाहिए. हाँ. तो लाइक आउट ऑफ 5 अगर मैं पूछूँ क्या रेटिंग देंगे कॉलेज को? मे बी 2.5. 2.5. 3.5 बिकॉज आई फाउंड सम गुड फ्रेंड्स हियर नाउ. और अगर फ्रेंड्स को हटा दे तो? जीरो. तो मतलब फ्रेंड्स मेक योर कॉलेज बेटर. सिंपल. Life lesson. Okay, anything else you would love to say to your juniors? मोतीलाल में मत आना. मोतीलाल में मत आना. जाट बर्जर बहुत है. But फिर juniors कैसे बनेगा? लेकिन आओ तो make some good friends and a good circle. मोतीलाल की societies काफी अच्छी हैं. Cultural से लेके working तक की enactus वगैरह जो भी है. You can really find some good people here. आप हैं societies? हाँ. और आप? No. But you are happy. नहीं एक नंबर कम दिया. प्लस वन फॉर सोसाइटी. थैंक यू. हाय गाइस योर गुड नेम्स. माय नेम इज अजय. शिवांगी. सक्षम. एंड लाइक योर कॉलेज एंड कोर्स? माय कॉलेज इज आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज एंड माय कोर्स इज बीए प्रोग्राम. आई एम फ्रॉम एआरएसडी. माय कोर्स इज बीए प्रोग्राम हिस्ट्री. सेम कॉलेज एंड सेम कोर्स. कॉम्बिनेशन हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल. हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल. इको एंड हिस्ट्री. ठीक है. हिस्ट्री इज व्हाट यू यूनाइट्स यू ऑल. Okay, what was your CUET score and category? My CUET score is about 550 and mera admission category se hua, SC category. 714. I am from general category. My CUET score was 714.8 and I am from general category. So 0.8. Yes. 0.8 minded guys. Okay, how's BA program? BA program is like a टाइम पास. जस्ट वी नो वी जस्ट स्पेंड अपने पास अपने माँ बाप का पैसा खराब करें. जस्ट इस टाइप का है. ओके. नहीं टोटली डिफरेंट व्यूज. मुझे हमेशा से बीए प्रोग्राम लेना था. कॉम्बिनेशन भी यही लेना था तो मुझे तो अच्छा लगता है और मेरे हिसाब से एक अच्छा कोर्स है. हिस्ट्री पॉल साइंस सब्जेक्ट्स भी मुझे पसंद हैं तो. And my opinion doesn't match with him. BA program is a nice combination and I wanted to pursue political and history both. So BA program is a nice step for that. Okay. Like so aapko acha nahi lagta to like your aim was some honors course? Achha lagne wali baat nahi thi. Jis tarike se new education policy aayi hai isme hamarko matlab lagbhag honors ki tarah hi dignity mil rahi hai to इस हिसाब से मेरे को मतलब इको ऑनर्स चाहिए था. जो कि मैं इको मेजर में परस्यू कर रहा हूँ तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है. बाकी कोर्स भी अच्छा है बट कॉलेज लाइफ है तो टाइम पास थोड़ा बहुत हो गई. तो लाइक अगर एआरएसडी की कॉलेज लाइफ को डिस्क्राइब करें तो उसकी क्या रेटिंग रहेगी एंड क्यों? रेटिंग मतलब पाँच में से करेंगे तो मतलब स्केल भी बहुत छोटा पड़ जाएगा. लिटरली स्केल भी बहुत छोटा. 10 ये भी छोटा पड़ जाएगा मेरे. आप अपनी स्केल बना के करिए. 10 आउट ऑफ इनफिनाइट. इतना बेकार. इतना बेकार कैसे out of infinite दे रहे हैं. Literally infinite out of 10. बहुत ज़्यादा मतलब मैं define भी नहीं कर सकता. क्यों मतलब? कॉलेज लाइफ अगर आपको रियल में चाहिए तो आप आत्माराम में आइए. आप हमारे साथ बैठिए आपको पता चलेगा क्या कॉलेज लाइफ होती है. हम किस तरीके से टाइम स्पेंड करते हैं किस तरीके से साथ में पढ़ाई करते हैं किस तरीके से हम नई नई चीज़ें सीखते हैं.
दैट्स ऑल. लाइक लोगों को आना चाहिए. बिल्कुल. ओके या मतलब आना चाहिए. मेरे कोर्स का कहूँगी कि प्रोफेसर्स अच्छे हैं, आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए. हमारे पास मतलब हिस्ट्री और पॉल साइंस दोनों की फैकल्टी बहुत अच्छी है, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैंने और मतलब कॉलेज लाइफ भी अच्छी है, सोसाइटीज़ काफ़ी अच्छी हैं, एक्टिव सोसाइटीज़ हैं काफ़ी. और मतलब मैं डेपसॉक से हूँ तो डेपसॉक में बिल्कुल आए, हिंदी डेपसॉक वेदांत प्रमोशन भाई पैसे लूँगा. सोसाइटीज़ एंड कॉलेज की फैकल्टी सारी अच्छी है. एंड अगर हम बात करें एक्सपोजर की, तो एक्सपोजर जो है वो सोसाइटीज़ और अकेडमिक्स दोनों में आपको प्रोवाइड करा जाएगा. एंड आई हैव बीन टू कॉलेजेस, तो अगर एक्सपोजर की बात करें या फिर मज़े आने की बात करें, तो वो सारी चीज़ें बैलेंस आउट हो जाती हैं. ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ मज़े ही चल रहे हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ पढ़ाई चल रही है एंड बहुत स्ट्रिक्ट चीज़ें हैं. अकेडमिक्स एंड सोसाइटीज़ एंड बाकी सारे मज़े बिल्कुल बैलेंस आउट हो जाते हैं, दोस्त अच्छे बनते हैं, एंड वही ज़रूरी है कॉलेज लाइफ के लिए. तो 5 में से आप कितना फिर? 5 में से 4.5 रेट करूँ. 0.5 कट रहा है क्यों? 0.5 कटने के रीजंस कुछ ऐसे होंगे हाँ कि ये नॉर्थ कैंपस में नहीं है, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं है. मतलब इतनी स्ट्रिक्ट रेटिंग, अगर नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस की आप मेरे से रेटिंग पूछेंगे तो मैं उनको भी 5 out of 5 नहीं दूंगा. तो कुछ कुछ फॉल्ट हर चीज़ में होते हैं, एंड ग्रोथ का जो एक स्कोप है वो हर कॉलेज में होता है. हमारा कॉलेज अभी बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, NRF हो गया या फिर NAC की रैंकिंग हो गई, तो हर जगह हमने अभी ग्रो करा है, तो अभी ग्रोइंग स्टेज में है, इसलिए अभी स्कोप हमें बचाना चाहिए ताकि और ज़्यादा बेटर ग्रो कर पाए. बहुत अच्छा बोला, डेपसॉक वाले इन्हें प्रमोट करिए वेदांता. ओके गाइस थैंक यू सो मच.